₹100 ठीक है ना? होगा क्या? मुझे लगता है हो जाएगा। ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लड़कों को चैलेंज दे रहे हैं कि उन्हें 100 रुपीज में कोई चिकन की स्पेशल डिश बना के हमें खिलानी है। और पार्टिसिपेंट गेस कौन होने वाला है? रुद्र और साहिल। तो उनको चिकन लाके उसके सब मसाले लाके जस्ट 100 रुपीज में उनको ये सब करना है, और हमें पता नहीं वो कैसे करेंगे। एंड वी आर गोइंग टू जज देम, जिन्हें खुद को बहुत कुछ आता है। हम तो मास्टर शेफ है, मतलब मुझे तो सभी आता है। तो देखते हैं वो कैसे कर पाते हैं, और उनको ये बात अभी तक पता नहीं है तो पहले जाके उनको बताते रिएक्शन क्या होता है। हाय रुद्र, यहाँ पे आजा जल्दी, हमारे पास एक चैलेंज है। तो चैलेंज ऐसा है कि इन 100 रुपीज में तुम लोग को हमें एक चिकन की स्पेशल डिश बना के खिलानी है। 100 में? हाँ 100 में। हाँ 25 मिनट्स मिलेंगे तुमको सामान कलेक्ट करने के लिए, और चिकन बनाने के लिए मिलेंगे 30 मिनट। पकने में कितना टाइम जाता है वो तुम देखो भाई, तो तुम देखो, तुम्हें अच्छी डिश बना के हमें खिलानी है। जज करने वाले नहीं, जो जीतेगा उनको हम दोनों की तरफ से ट्रीट, अनलिमिटेड फूड, वो भी जहाँ बोलोगे तुम। यस। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। गो। दादा चिकन कैसा है? बहुत बढ़िया। 220 रुपया किलो, अपना बजट है 100 रुपए का, तो अपने को अभी बहुत मैनेज करना है। 150 ग्राम कितने में आएगा? 50। 200 ग्राम ही ले लेते हैं, लेकिन बजट देखना पड़ेगा, कुछ बहुत चीजें लेनी, ये तो फर्स्ट है। 45 में दे दो ना, मिल जाएगा ना? और ये मसाले चाहिए थे थोड़े से। चिकन कट करने बोला है, तब तक बाकी सारी चीजें ले लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। गाइस मैं जो हूँ ना वो बोनलेस ले रहा हूँ, क्योंकि ना क्वांटिटी कम है ना, तो बोनलेस लेंगे ना तो उनको भी खाने में मजा आएगा। और वो 51 बोल रहे थे और मैंने उनको 45 में कन्विंस कर लिया, और ये मसाले 15 के हो गए। 40 रुपए मैंने यहाँ पे ना 2 मसाले ले लिए, एक टोमेटो कांदा वगैरह कुछ मिल सकता है? मेरा बजट बहुत कम है और टास्क मिला है मुझे, मिल जाएगा, दादा ने बोला मिल जाएगा। टोमेटो लगता है? टोमेटो लगते है। अभी मेरे पास 40 बचे, और मुझे इसमें सब्जी लेना है, तेल लेना है, एक 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 बड़ा लेते। कांदा है? कांदा दो ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। ये कुछ चीजें ली मैंने, धनिया, कुछ मिर्ची ली है, 2 कांदा ली है, 1 टोमेटो ली है। और क्या लगता है रे, चिकन बनाने में क्या क्या लगता है? मिर्ची, थोड़ा सा मिर्ची चाहिए। हो गया दादा? 50 का? अरे नहीं, 44 का ही कर दो ना दादा। इसके लिए मसाला वगैरह क्या लगा था? तो मेरे पास अभी भी 40 रुपए बचे, ये 0 रुपए। जो थोड़ी बहुत चीजें है वो ले रहे, मांग रहे, देख रहे, क्योंकि बजट से बाहर जा रहा है। नमक और तेल, ये दोनों चीजें आकर इनके घर से मिल गई तो शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा 17 रुपए का कुछ मिल रहा है, तेल मिल रहा है, रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं मिल रहा, अभी ले लेते हैं कुछ। अगर आप लोगों से बात कर सकते हो ना तो ये एडवांटेज है उसका, बात कीजिए आपको फ्री में मिल जाएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मिल गई यहीं पे। मुझे दही लेना है क्योंकि दही से शायद टेस्ट आता है, मुझे पता नहीं है लेकिन सुना बहुत है। तो मैं आया हूँ तेल लेने के लिए, जहाँ पे मैं रोज समोसा वगैरह खाता हूँ ना, उनके पास आया हूँ, उनके पास से थोड़ा तेल नमक लेना है। थैंक यू दही, थैंक यू। 12 रुपए बचे है, अभी इसमें कुछ लेना है कि नहीं याद करता हूँ मैं, कुछ लेना है कि नहीं? भैया तेल चाहिए था थोड़ा। आपने पास नहीं? अरे तो देना खरच नहीं है, जानतो का फक्त थोडस आहे का चांगलं वाला? आजच तुझ्या भरोशावरती आलतो मी। न हलवता टाक खालचं थोडं। बाप बहुत गंदा दिख रहा है, दुसरं तेल नाही आहे खरंच। अच्छा नमक और हल्दी, अरे क्या मजा कर रहा है तू। ये कुछ मसाला है बोल रहे अंकल, इससे टेस्ट आएगा, ये भी एक ले लिया। लास्ट वाला मेरा जो प्लान था वो फेल हो गया, जिसके पास इतने भरोसे से गया था उधर नहीं मिला। अभी 40 रुपए में किधर तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक दुकान है, तेल चाहिए था लेकिन खुला चाहिए। अंकल बोल रहे कि अभी उनके पास कोई तो आके गया था, शायद साहिल भी यहाँ पे आके गया है, क्योंकि भाई देखो हमारे एरिया में थोड़े बहुत ही दुकान है, तो यही पे देख रहे, तो साहिल भी यहाँ पे आके गया था। 11 रुपए बचे, देखते अभी इतना तो बच ही गया लेकिन टाइम कम है, चल तू जल्दी बनाना भी है। इसका 17, इसका 17, 34 ठीक है। गाइस मैंने जैसे बोला था बोलने से काम होता है, दही का भी इंतजाम हो गया 40 में, हल्दी भी मिल गया और नमक थोड़ा फ्री में मिल गया। बात करने से चीजें होती है। वक्त बहुत कम बचा है, देखते कितना टाइम बचा है। अरे वो आया नहीं, मतलब मैजिक के नहीं, चल तेरा सामान तब तक सेट कर सकता है, वो आएगा उसके बाद हम बनाने वाला टाइम स्टार्ट कर देंगे। सब चीजें ले ली, बस कैरी बैग लेना भूल गया मैं। ए मिर्ची उठाने को आ रही इधर, अभी टाइम बहुत कम बचा है, भागते ऊपर सीधा। आगे आ गया, तो ये सब चीजें फ्री में आ गई। चिकन में भी मैंने बार्गेनिंग किया, 5 रुपए कम किए। ये मसाले लाए मैंने और इसके लिए बहुत झंझट हुई, ये पूरा नहीं पूरे उड़ा दे। इसकी चीजें बहुत ज्यादा लग रही, उस हिसाब से मुझे तो लग रहा है भाई। तूने कितना लाया? वो कुछ लाए मैंने, मतलब बेसिक चीजें लाई। चल
बेसिक चीज ही लाई है मेरी। और तूने तेल किधर से लिया? वही अपना वो मुझे बोल रहा था तूने उधर से लिया करके 70 रुपए का, हम दोनों ही गए थे उधर तेल लेने के लिए। पैकेट छोड़ के छोड़ा, उन्होंने पैकेट कट करके दिया, उससे मैं नमक फ्री में लाया। मुझे तो ये धोखा हुआ है। हमने 30 मिनट का टाइमर लगा दिया है, तो लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1, go! We have the in the house. अभी डालते शायद जो संजीव कपूर जी करते हैं वही आज हम करने वाले हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। सीक्रेट मसाला। रुद्र की स्पीड मैच कर साहिल। अच्छा, मेरे रुद्र को देख के लग रहा है उसका प्रोसेस टेस्ट था पूरा। रुद्र उसके लिए वो दिया है कटिंग बोर्ड। अरे हां, सॉरी। कांदा डाल रहा हूँ, रिस्की नहीं लेने। ऑयल बाद में डालूंगा क्योंकि इसमें जो पानी है ना वो ऑयल में ऐसे फट से ऐसा। विदाउट ऑयल उन्होंने प्याज डाल दिया। ऐसे नहीं डालना, डरा मत है, कुछ नहीं होता है। कुछ तो हुआ है, इसका ये कलर बहुत अच्छा हुआ है। कुछ कुछ चीजें जो डिटेलिंग में सर्व की जाती है उसे देख कर ऐसा लग रहा है इसका अच्छा बनेगा या फिर उनका अच्छा बनेगा। चिकन डाल दिया है साहिल ने। हल्दी दूंगा मसाला दे। सब्जी बन गया बे। मेरा हाथ कटा। रुद्र कचरा डाल सकता है, हमने जो यहाँ पे दिया था कचरा थोड़ा सा बच गया। एक्चुअली खून पसीने से बन रहा है जो भी बन रहा है। नहीं मतलब बचा। एक मिनट, ये तूने पूरा डाल दिया? 100 ग्राम चिकन में रुद्र ने ये पूरा डाल दिया। शाबाश बेटा। तो अभी चिकन को इन्होंने पकने के लिए रखा है, तब तक चलो गाइस सब क्लीन कर लो। चलो अभी इसका कहा है ना, वो गार्निशिंग के लिए रखा। फाइनल 10 मिनट्स एंड फाइनल टचेस। मेरा डिश रेडी है। ठीक है, मेरा भी रेडी। 15 सेकंड्स रेडी रेडी 5, 4, 3, 2, 1। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब। प्लेटिंग ऑलमोस्ट सेम है तो उससे हम जज नहीं करेंगे, हम टेस्ट पे ऑब्वियसली जज करेंगे। साहिल का कौन सा है? ये तो साहिल का पहले टेस्ट करते क्योंकि साहिल पहले लेके आया था सब सामान। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि भूख लगी? दोनों साइड में रखो अभी। एक चीज मुझे जजेस के बारे में अच्छी लगी कि उन्होंने जो गार्निश किया ना वो भी खाया, मुझे लगा था वो सजाने के लिए रखते हैं। हाँ, ये बात है। ये टेस्टी है, थोड़ा सा नमक मुझे ज्यादा लगा इसमें, बट आफ्टर सम टाइम वो हो रहा है। मतलब हां, कुक्ड भी है ना पूरा। अच्छा कुक्ड है, देखते हैं। चलो ये रोदा कुक्ड है। हां बस, ओके धन्यवाद। हम थोड़ा डिसाइड कर लेते तब तक चिल कर सकते। मैं ट्राई करूं? मैंने ट्राई नहीं, अरे मैंने ट्राई नहीं किया। ठीक है, हां वो इंडिविजुअल टेस्टिंग का पूरा सोच है। ये पूरा निचोड़ के खा रहे हैं हमें। दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड गाइस, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। वो 11 रुपए मुझे भी तो लग ही रहा।
सो हम लोग कंक्लूजन पर आ गए हैं एंड सबसे अच्छी थी सो मच प्रेशर फर्स्ट टाइम बनाया मैंने चिकन वो भी इंडक्शन पे क्या चीजें लानी थी मैंने तो दो चार चीजें तो लाई भी नहीं थी हल्दी तो डाली नहीं उसमें नहीं मैं नहीं मानता फाइनली मैं जीत गया हूँ लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम बनाया हम मिलेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए कीप डूइंग रो मत मैं जीत जाऊंगा रो मत मेरे लिए मत रो ये भैया ये क्या हो रहा है रो क्यों रहा हूं मैं